हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी फॉर एमपी पीएटी इंटरेस्ट 2020। मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्ज़ाम 8 और 9 नवंबर में है। जैसे बीएचयू का हर स्टेट के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश का भी किसी भी स्टेट के कोई भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं और फॉर्म भरा होगा और एग्ज़ाम भी देने जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अदर स्टेट के लोग यहाँ पर केवल जनरल कैटेगरी से फाइट करके यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं। हालांकि यहाँ पर दो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हैं, एक विजय राधे सिंधिया जो ग्वालियर में, और एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में JNKV भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब किस तरीके से स्टडी किया जाए। इस वीडियो को हमें एक हफ्ता 10 दिन पहले ही बना देना चाहिए था, लेकिन ICAR रिजल्ट ना आने की वजह से विलंब हुआ है वीडियो बनाने में, ठीक है। क्योंकि मैं समझता था अगर आपका रिजल्ट पहले आ जाता तो हम इस वीडियो को पहले बना देते। रिजल्ट से इसका क्या मतलब है, चूँकि रिजल्ट में अब आपके पास मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी उन विद्यार्थियों में जिनके ICAR में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, आपने ICAR एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो हम ये मानते हैं अगर आपके ICAR एग्ज़ाम में 350 नंबर से लेकर के 360 नंबर तक हैं, तो 100% 360 नंबर पर MPPAT की जो यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, चाहे वो JNKVB हो या फिर चाहे वो विजय राजे सिंधिया यूनिवर्सिटी हो, आपके ICAR से 100% 360 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जा सकते हैं MPPAT एग्ज़ाम या फिर ICAR के थ्रू। तो हम लोग आज बात करेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, मैं थोड़ा यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे में हमें केवल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो हमारे टोटल जो नंबर आते हैं वो 200 नंबर आते हैं, जिसकी जो कट ऑफ रहती है जनरल OBC के लिए लगभग 140 क्वेश्चन तक मेल कैंडिडेट की रहती है, और ये रहती है किसके लिए, BSc एग्रीकल्चर के लिए। BSc एग्रीकल्चर कट ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाती है, मतलब 200 क्वेश्चन में आपके 140 क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो इतना नहीं है, जबकि आपकी जो एग्ज़ाम होता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा में, ठीक, हिसार वाला, उसी कट ऑफ वास्तव में बहुत ज़्यादा जाती है। इसकी तुलना में 200 नंबर यहाँ आते हैं, 200 क्वेश्चन 200 वहाँ होते हैं, उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो है वो मतलब टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे 3 घंटे में 200 क्वेश्चन होते हैं। जो सब्जेक्ट आता है वो फिजिक्स क्वेश्चन आता है आपके 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री जो आता है आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, और आपकी जो मेजर पोर्शन है वो बायो है, मैथ है और एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है 100 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक। अब सवाल आपका ये, सर हम किस सब्जेक्ट पर किस तरीके से फोकस करेंगे, हमारा आराम से 140 क्वेश्चन तक क्रॉस हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, फिजिक्स के पेपर, हालांकि हमारे सर लोग जो है वो आपके पेपर सॉल्व करा देंगे, फिजिक्स और मैथ के वीडियो बन चुके हैं, केवल उनकी एडिट करना बाकी है, तो हम उनको जल्द ही एडिट करके आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब बात ये आती है कि फिजिक्स हम लोग अब क्या करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ जो यहाँ पर मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन क्या है, बायो है, मैथ है, एग्रीकल्चर है। आप लोगों ने एग्ज़ाम ICAR का दे रखा है, हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन लोगों ने एग्ज़ाम BHU का दिया हो, अगर अदर स्टेट के लोग हैं तो हो सकता है उन लोगों ने अपना स्टेट एग्ज़ाम दिया हो। कहने का मतलब आप एग्ज़ाम 1 से 2 एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका सिलेबस पहले से कम्प्लीट है। अगर सिलेबस पहले से कम्प्लीट नहीं है तो मैं समझता हूँ आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतने बार परीक्षा हमारी जो है वो लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हुई एग्ज़ाम, तो आपने सिलेबस कई बार कवर कर रखा होगा। सिलेबस कवर कर रखा अगर नहीं आपने या नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं इस तरीके से एग्ज़ाम देने का, ठीक। टाइम पास करने के लाइफ में कुछ मतलब नहीं होता है, आप एग्ज़ाम छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चूँकि मैं इसलिए ये बात कहता हूँ, चूँकि कई बार स्टूडेंट्स बार बार सवाल करते हैं, आज भी कुछ स्टूडेंट्स हमसे बात कर रहे हैं, सर MPPAT एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन हो सकता है, बड़ा अजीब लगता है इस तरीके से पागलपन वाले क्वेश्चन करने से, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर बात यह है कि हम जो क्या 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 आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो मेजर पोर्शन आपका है,
ठीक, मेजर पोर्शन क्या है? बायोलॉजी है, मैथ है, एग्रीकल्चर। तो हम लोग बात कर रहे थे आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है, हम कंप्लीट सिलेबस को दोबारा नए चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उस कंप्लीट सिलेबस का कम से कम रिवीजन तो हम कर सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है, जो हमारा मेजर पार्ट है उसका केवल हमें रिवीजन करना है, अब क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि उनको लगाने से ये पता चलता है कि वास्तव में फिजिक्स में कितना क्वेश्चन थ्योरी है, कितना क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, कितना क्वेश्चन वहाँ पर फार्मूले बेस है, इसलिए तो केवल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेंगे चार दिन में। बाद बाकी क्या करना, केवल आपको रिविजन करना और कुछ भी नहीं करना है। रिविजन कैसे करना है, देखिए रिविजन करने का ये तरीका रहा, जैसे मुझे दो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी कमांड रहती है। मान लीजिए फिजिक्स का आपका पेपर है, अब फिजिक्स के पेपर में देख रहा हूँ कम से कम 25 क्वेश्चन थ्योरी आती है, ठीक। यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े से स्टैंडर्ड होते हैं, 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मॉडरेट होते हैं, मतलब फार्मूले बेस्ड होते हैं। तो ये समझता हूँ कि अगर आप फिजिक्स में आप क्या करें, जो फार्मूले बेस्ड हैं न्यूमेरिकल, जैसे मान लीजिए आपका मैकेनिक्स में है या फिर हीट में है या फिर लाइट में है, जो फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, तो हम फार्मूले पढ़ते जाएं, उन पर एक एक क्वेश्चन देखते जाएं स्पीड में, उस वहाँ पर डायमेंशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसका फार्मूला क्या है, डेरिवेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इस तरीके से हम क्या करें, एक तरफ से चैप्टर बाई चैप्टर एक दिन में सुबह ये टर्म बना लें कि आज हमको शाम को केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरा ख़त्म करना है केमिस्ट्री का, बायो में हमें फिजियोलॉजी और आपका जो है एनिमल फिजियोलॉजी या फिर प्लांट किंगडम या फिर एनिमल किंगडम ख़त्म करना, कोई भी एक टॉपिक बना लीजिएगा सुबह से लेकर शाम तक। अब आप क्या करें, उसका एक नहीं कम से कम दो बार रिवीजन करें। जैसे मुझे मान लो बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी में प्लांट किंगडम ख़त्म करना, एनिमल किंगडम ख़त्म करना, तो ये सोच लो कि मुझे 4 घंटे में कम से कम 2 बार पढ़ना है। अगर आप 4 घंटे में 2 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 100% आपकी अप्रोच बढ़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर क्यों नहीं है, क्योंकि हम कम सिलेबस को अधिक टाइम में पढ़ते हैं। जब कम सिलेबस को अधिक टाइम में पढ़ते हैं तो अधिक टाइम में पढ़ने के कारण हमारी अप्रोच उस पर नहीं बन पाती है। हम अधिक सिलेबस को कम टाइम में पढ़ते हैं तो हमारी अप्रोच बढ़ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन पावर, याद रखना, ठीक। हम जब किसी सब्जेक्ट को कई बार आप देख लीजिएगा, आप सुबह मान ली उठे, आपको सोच लिया कि हमें सुबह उठ करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ख़त्म करनी है, अब टारगेट है पूरी ख़त्म करने का और कोशिश करेंगे, अगर पूरी ख़त्म नहीं होगी तो कम से कम आपकी 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कोशिश की, आपने जो है 100% का टारगेट बनाया। तो जब तक ये जिद नहीं आएगी तब तक हम रिविजन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, रिवीजन बहुत मस्ट है, क्वेश्चन लगाना उसका उतना मस्ट नहीं है। क्योंकि रिवीजन हम जब करेंगे तो होल सिलेबस का रिवीजन हम एक दिन में कर सकते हैं, क्या एक दिन में हम होल सिलेबस क्वेश्चन लगा सकते हैं? नहीं, ओनली प्रीवियस ईयर पेपर हम लगा सकते हैं, ठीक। जब भी आपको टाइम मिले आप पेपर देख लीजिए एक बार कि वास्तव में ये फिजिक्स का पेपर है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से, फट से हम उस टॉपिक पर जाएं, उस टॉपिक का रिवीजन करें, फिर तुरंत उस पर आ जाएं, ताकि हमारी इस तरीके से स्टडी अच्छी हो सके। तो याद रखना, देखिए मेजर पोर्शन हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन है। तो जो लोग बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो होल सिलेबस का बल्क रिवीजन करें, ये सोच लें कि आज सुबह से लेकर शाम तक हमको चैप्टर डिसाइड कर लें कि बस हमको ये 3 चैप्टर शाम तक डिसाइड करने, इसमें बायोलॉजी में। मैथ वाले बच्चे क्या करेंगे, ऐसे से मैथ वाले लोग, जैसे मैथ मान लो कैलकुलस बहुत पूछा जाता है, ठीक, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत आती है हर क्वेश्चन से, हर एक चैप्टर से, या फिर पता चला लेट इसमें सेट फंक्शन रिलेशन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो जो आपके पूछे जाते हैं तो फार्मूले आप इनके पढ़ लें एक बार, और इस तरीके ये देख लें वास्तव में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, जो मेजर पोर्शन उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। मेजर आपकी पोर्शन ये दो ऐसे पोर्शन हैं जो आपका सिलेक्शन आराम से 100% यहाँ पर 130 क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे, 120 क्वेश्चन से लेकर के 130 क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। ये सब्जेक्ट केवल इसको अगर आप मतलब इसको लास्ट रखेंगे तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बायो में, अगर आप, मैं समझता हूँ अगर आप कितना भी आप करेंगे 80 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम 20 क्वेश्चन तुक्का लगा देंगे ना, सबके ए भर देंगे, बी भी भर देंगे, तब भी हम 5 क्वेश्चन 20 में से 100% तब भी कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आप आराम से 85 क्वेश्चन तक बायो के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। अब क्या आप केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन नहीं करवाएंगे? कोई भी स्टूडेंट्स, आपने ऐसे इतना बड़ा तगड़ा एग्जाम दिया, दे रखा है बीच एग्जाम दे रखा है और एग्जाम दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 100% सिलेबस आपका पहले से कंप्लीट है, केवल उसका टाइम बना करके रिवीजन करना और कुछ नहीं करना है, ठीक। रिवीजन जब हम होल सिलेबस के करते हैं, अब सवाल ये कुछ बच्चे का, सर होल सिलेबस का रिवीजन कैसे हम लोग करें? चूंकि जब रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम पर हम 3 घंटे में
फिजिक्स भी याद आनी चाहिए, केमिस्ट्री याद आनी चाहिए, अगर आप पास बायो है तो बायो याद आनी चाहिए, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर याद आना, मतलब उस 3 घंटे में हम होल सिलेबस का रिवीजन करने पर जब अच्छे से करेंगे तभी हम एग्जामिनेशन टाइम पर ये देख सकते हैं कि वास्तव में ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है। अगर आपने करंट पढ़ा होगा तो एग्जाम देते समय हमें हर चीज़ याद आती है, ये वास्तव हमने परसों पढ़ा था, ये हमने कल पढ़ा है, ये उस किताब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन वहाँ है, इस तरीके से दिमाग चीज चलती है जब एग्जाम देते हैं तब। ठीक, तो आप लोग अपनी अप्रोच को बढ़ाइए, कम टाइम में अधिक सिलेबस को पढ़िए, आप 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बायो वाले यहाँ कर सकता है क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज़ है कि इसको प्रॉब्लम होती है मैथ वाले बच्चे को, जो स्टूडेंट्स मैथ का है, हालांकि सीट यहाँ पर रिजर्व नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर जो बीटेक एग्रीकल्चर सीट है वो केवल मैथ वाला ही लेता है, तो बीटेक एग्रीकल्चर की जो सीट है वो मैथ वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करता है, केवल 120 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन पर बीटेक एग्रीकल्चर एमपीपैट के थ्रू कर लेता है। कट ऑफ किसकी ज़्यादा जाती है, एग्रीकल्चर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीसीए का लेता है, पीसीबी भी कर सकता है, पीसीएम भी कर सकता है, ये एक जनरल सब्जेक्ट है, मतलब एक कॉमन चीज़ है जिसको हर स्टूडेंट्स कर सकता है, इसलिए बीएससी एग्रीकल्चर कट ऑफ सबसे ज़्यादा हर किसी एग्जाम जाती है, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे अपना स्टेट हो, चाहे आईसीआर हो, कोई एग्जाम हो, बीएससी एग्रीकल्चर कट ऑफ यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पर मैथ वाले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जितने फार्मूले हैं, ठीक है, तो फार्मूले बेस आप पढ़ते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइएगा, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है एग्रीकल्चर पढ़ते जाइए, मतलब आपको दो ऐसे पढ़ने हैं यहाँ पर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो हम आराम से दोनों करके यहाँ पर अगर 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तभी मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके 100% जो है 115 क्वेश्चन तक निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा पोर्शन हो गया बायोलॉजी का, ऐसे ही से हम केमिस्ट्री में करना होगा, केमिस्ट्री में जो मेजर आपको पोर्शन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक में आपका है, जैसे मान लीजिएगा आपका क्वांटेशन केमिस्ट्री है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन 100% आएगा वहाँ से, डी ब्लॉक में कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक, इसके बाद आपके एस ब्लॉक है और आपकी मेटलर्जी है, जो मेजर मेजर पोर्शंस हैं आप उनको पढ़िए, 100% वहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं आपके। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री अगर बात करें तो थर्मो केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम है, पीएच है, रेडियो एक्टिविटी है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ से, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं समझता हूँ आप केमिस्ट्री में क्या करें, जो मेजर पोर्शन है ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है उनका होल सिलेबस रिविजन करें। फिजिक्स में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो एक बार थ्योरी थ्योरी पढ़ते जाइएगा, उनके फार्मूले कैसे हैं और उनके न्यूमेरिकल क्या है, उस तरीके क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो हम समझते हैं, अगर आप 80 यहाँ कर लेंगे, ठीक, 30 यहाँ कर लेंगे, अगर फिजिक्स में आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए, चूंकि नेगेटिव मार्क नहीं इसलिए कर सकते हैं हम लोग, ठीक, तो आप ये आप देख लीजिएगा ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 80, 20, 100, 5, ठीक है, 80, 20, 100 और ये हो गए आपके 5, ठीक है, 8, 2, 10, 3, तो ये क्वेश्चन आप कितने हो गए, 135 क्वेश्चन हो गए, आप देख लीजिएगा। तो हम इस तरीके से आराम से यहाँ पर 135 सिलेक्शन ले सकते हैं, जब ये बहुत कम आपने किया है तब क्या आप बायो में आप 85 कर सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर में 85 ही कर पाएंगे, क्या फिजिक्स में 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या फिजिक्स में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप आराम से यहाँ पर, आप बशर्ते क्या होता है कि पेपर करने का कुछ तरीका होता है, तरीका क्या होता है मैं थोड़ा सा बात कर लूँ इस पेपर के बारे में। देखिए आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है एग्जामिनेशन टाइम पर, चूंकि समय कम है तो हम आपको इसलिए बार बार वीडियो नहीं बना पाएंगे, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना होगा। देखिए अगर स्टूडेंट्स पीसीएम का है, अगर स्टूडेंट्स पीसीबी का है, अगर स्टूडेंट्स पीसीए का है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, चूंकि पेपर एक ही टाइम होगा मॉर्निंग इवनिंग या फिर अगले शिफ्ट में, जैसे बीसी से एग्जाम होता है, जो मेजर पोर्शन सबसे पहले उसको अटैम्प्ट करना होता है, चूंकि वो 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें मैथ अगर सिंपल आती है तो हो सकता है मैथ से सिंपल फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, आपको 2 अटैम्प्ट में पेपर करना होगा, ठीक, 2 अटैम्प्ट, चूंकि हमने ये चीज़ बताई थी काफ़ी लोगों को, इस चरण में एग्जाम में सफलता हासिल हुई इस तरीके से कि सर ने बताया 2 अटैम्प्ट, तो जब फर्स्ट अटैम्प्ट पेपर करते हैं तो हमको कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन जब सेकेंड अटैम्प्ट उस क्वेश्चन देखते हैं तो जो गलत क्वेश्चन हो चुके होते हैं वो हमारे सेकेंड अटैम्प्ट में क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक, तो हमें 2 अटैम्प्ट कम से कम आपको लेना ही लेना है 2 अटैम्प्ट। ठीक, हमें जो मेजर पोर्शन यहाँ पर मैथ है, अब मैथ करेंगे अगर सिंपल है तो, ठीक, इसमें क्या करना, पीसी वाले सबसे पहले वास्तव में बायो ही करनी होगी यहाँ पर। बायो में अगर आप 2 राउंड मारेंगे तो मैं समझता हूँ 2 राउंड में आपके 100% 85 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, बचे 15 क्वेश्चन हैं, अगर आप 15 तुक्का लगाएंगे ना तब भी आपके 5 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं, आप देख सकते हैं आपके 90 क्वेश्चन कोई नहीं काट सकता है, चूंकि नेगेटिव मार्क में, इसलिए सेम प्रॉपर्टी ऐसे यहाँ भी होगी आपकी। ठीक, मतलब
70% सिलेक्शन हमारा इसी सब्जेक्ट हो जाता है बायोलॉजी एग्रीकल्चर से। मैथ वाला बच्चा कितना मैथ में करेगा तब भी 80 क्वेश्चन नहीं, तो आप मान सकते हैं कि 70 क्वेश्चन तक हम मैथ में कर सकते हैं, 70 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। आप मैथ में कम से कम ये मान लीजिएगा जो मैथ स्टूडेंट्स है वो डेढ़ घंटा कम से कम देगा मैथ में, ठीक, डेढ़ घंटा देगा मैथ में। बचा हुआ डेढ़ घंटे में आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री में कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आप उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन बहुत इजी इजी हैं, जरा भी क्वेश्चन टाइम लेता है, टफ है, बड़ा है, आप उसको मत पढ़िएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है बहुत बड़ी लैंग्वेज है लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा होता है उसका, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन एक मिनट से ज़्यादा ले रहा है आप उस क्वेश्चन को छूना नहीं, ठीक। और एक चीज़ याद रखना, जब पेपर आप जमा करें अपनी आंसर शीट तो कम से कम किसी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, कुछ करें, ए भरें, बी भरें, सी भरें, उसको सब भर के आना है। क्योंकि अगर आपका दो क्वेश्चन भी करेक्ट हो गए तो मैं समझता हूँ एक नंबर से आपकी एक यूनिवर्सिटी खिसक जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने स्टडी आप करेंगे तो 100% आप सफल हो जाएंगे, मैं आपको पूरी तरीके से उम्मीद दिलाता हूँ। आपकी वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है अपने स्टडी पर फोकस करें और हम जल्द ही मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है, वीडियो नहीं बना पाते हैं। अब जो वीडियो मेरे बनते हैं वो मैं रात में 2-3 बजे बना पाता हूँ, बहुत टाइम निकाल करके, ठीक है। तो परेशान होने कोई ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आप सिलेक्शन 100% होगा। हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।